नरेंद्र मोदी की मिलीजुली भगत की सरकार थी और आज जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस वक्त भी स्टूडेंट को भी धोखा दिया जा रहा था और आज भी महागठबंधन की सरकार बनी है तो आज भी धोखा है। जो आरजेडी के जो प्रवक्ता चितरंजन गगन जी है वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि भैया हम 2022 में शिक्षक बना देंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 3 दिन में आप लोगों को स्कूल भेज देने का काम करेंगे। इनकी सरकार बने हुए आज 3 महीना से ऊपर हो गया तो वो कही रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 3 साल से लगातार आंदोलन ही कर रहे हैं, ना जाने कितना पैसा भी खर्च कर दिए अपने पोकर से बेरोजगार होते हुए भी। हाँ। अब उनका क्या होगा? तो आंदोलन का कोई फायदा होता है? जैसा लगता है कोई तोता जैसा वो बात बोलते हैं कि हम अमन चैन की बात करते हैं, मोहब्बत फैलाएंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। हाँ। पहली बार नहीं है ये, कई बार जब आप लोग बैठे हैं तब ये ऐसा ही मतलब बात सीटेट वीटेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यही बात बोले हैं कि अब की बार तो लेकर ही जाएंगे भैया, उठने वाले हम नहीं हैं। लेकिन वो ये दुर्भाग्य है भैया कि उसमें भी दुद्दू गुट बट्टल है। अब क्या मुंह से बात निकलवा रहे हैं, हंसी भर रहा है। इतना घटिया किस्म के इसमें इंसान है कि सब राजनेता बनने में फिरा हुआ है। जनता जनरल जो स्टूडेंट बीटेड सीटेड क्वालिफाइड है उनकी जिंदगी चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, वो मर क्यों ना जाए, उनके परिवार क्यों ना बिलट जाए, उसको राजनेता बन के और यही राजनीति में कूदना है। उसको आरजेडी जेडीयू और बीजेपी के टिकट मिलने वाला है। कौन विवेक विनीता जी का टीम है और एक तरफ इन्हें अनिशा कौन नितेश पांडे का टीम है, दोनों मतलब ये काम करेगा तो कहेगा वो भैया खराब कर रहा है, वो करेगा तो कहेगा वो खराब। भैया आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और बेवकूफ़ तमाम बिहार के युवाओं को बना रहे हैं जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड है, जो नौकरी चाह रहा है। उसको लग रहा है कि हमें जाकर ऊपर जाकर टिकट मिल जाएगा, जूता निकाल के 2 जूता मारेगा जाएगा टिकट कहीं मांगने। तो देखिए मैं किसी टीम के एक तरफा सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए भैया जो काम करेगा, जो विज्ञप्ति के लिए लड़ाई लड़ेगा ईमानदारी पूर्वक, उसको समर्थन कीजिए ना। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति राबड़ी आवास के ठीक बाहर है और हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र विक्की गोयल जी हैं। विक्की गोयल जी, आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि जितने भी नेता हैं सभी कोई 10 लाख दे रहे हैं, कोई 20 लाख दे रहे हैं, कोई 2 करोड़ दे रहे हैं युवा को नौकरी, लेकिन युवा को नौकरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसी पर बात करने के लिए आपसे आज बेहद ज़रूरी हो गया क्योंकि आप स्टूडेंट का आवाज़ प्रमुखता से उठाते रहे, चाहे सीटेट वीटेड का हो चाहे बीपीएससी का हो, हर स्टूडेंट का आवाज़ आप बने हैं और प्रमुखता से उसका उठाए। ये जो राजनीति जो हो रहा है, पहले तो कहा गया कि नहीं पात्रता परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीटेट वीटेड का पहले नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, अब पात्रता परीक्षा पहले होगा और सीटेट वीटेड बाद में होगा, क्या लोचा है? लोचा तो बस यही है सरकार की, ये सब लोचा है, सरकार जानबूझ के कर रही है। हमें तो सरकार के बारे में बोलने पर हंसी भी कभी कभार आने लगती है कि भैया ये कर क्या रही है। देखिए अभी जैसा कि आपने बोला कि रोजगार का पिटारा खुल रहा है, प्रतिदिन पिटारा ही खुल रहा है। तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री वादा किए, घोषणा भी किए कि भैया हम 10 लाख देने जा रहे हैं नौकरियां। उसके देखते देखते माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी जब गांधी मैदान में गए थे शायद झंडा तोलन में 15 अगस्त के, तो वहीं पे वो उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि भैया 10 लाख हम भी देने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भुइयां वा के प्रसादी बट रहा है। वो बोले 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। हाँ तो वही दोनों के जोड़कर 10 लाख जोड़कर 20 लाख हो गया, 10 लाख तेजस्वी यादव, 10 लाख नीतीश कुमार, 20 लाख। और आज भारत के प्रधानमंत्री तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री, हाँ वही माननीय श्री 108 वही माननीय तेजस्वी दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी वादा किया कि भैया हम धनतेरस के अवसर पर हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, 70,000 के हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, चाहे जो भी पता नहीं एक चपरासी के बांटेंगे कि यूपीएससी के बांटेंगे या फिर अपने रिलेशन वाला के हिस्से पर बांटेंगे, हमें भी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन बस इतना जरूर कहूँगा कि ये सब एक फंडा, राजनीतिक फंडा है भैया। इससे पहले 2014 में जब चुनावी एजेंडा उन्होंने ऐलान किया था उस समय उन्होंने बोला था कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार तो छोड़ देंगे। हाँ तो सही बात वो है कि भैया 2 करोड़ हवा था, वो हवा खत्म ऐसे हो गया है। वो हवा के बाद अभी देखा देखी में 10 लाख के जो वो फिर से बोल रहे हैं कि भैया हम 10 लाख देने जा रहे हैं दीपावली में, तो अब 10 लाख देवे ना, सिर्फ कह रहे हैं 10 लाख में 200,000 अगर स्टेट वाइज 10,000 दे देंगे तो लगेगा कि वाकई में भैया कुछ दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप प्रधानमंत्री पे युवा भरोसा कैसे करें, उन्होंने इतना घोषणा किया है वो तो देखते कुत्ता के नस्ल खोजते हैं, ये तो सब इतना घोषणा किया है लेकिन युवा को आज तक बस सपना ही मिलता रहा है, उसके अलावा कुछ। देखिए आप उनके ट्विटर पर जाके देखिए, मैं ट्विटर से जुड़ा हूँ उनके, तो वो जैसे ही ट्वीट किए हैं ना तो नीचे में जाकर देखिएगा तो हंसने वाला एक लाफिंग वाला जो इमोजी होता है ना, सब मैसेज किया हुआ है
सब इसलिए वहाँ पे दिया हुआ है कि भैया आप जो है कितना झूठ बोलिएगा, दो बार झूठ बोल चुके हैं, तीन बार झूठ बोल चुके हैं ऑलरेडी, दो दो बार प्रधानमंत्री बने हैं झूठ बोल के, अब कितने बार झूठ बोलिएगा। 10 लाख जो नौकरियां देने जा रहे हैं, पता नहीं 10 लाख अब नौकरियां शायद देंगे, मैं नहीं जानता हूं कि वो देंगे या नहीं, उनके मन के बात को मैं नहीं जानता। पद पे वो बैठे हुए हैं, लोग उनका सम्मान करता है, उस पद का सम्मान करता है, उस कुर्सी का सम्मान करता है, और उस कुर्सी पर बैठ करके इतने बार वो झूठ बोल चुके हैं, इतने बार वो उन्होंने युवाओं को सपना दिखाया है, लेकिन सिर्फ सपना ही दिखाया है, आज तक हुआ क्या इसका? देखिए तमाम राजनेता हो चाहे जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ, बस ये समझ गए हैं कि भैया अब रोजगार और नौकरी पे भी वोट मिलने वाला है, चाहे कोई रहे, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा हूँ, RJD हो, JD हो या फिर BJP हो, सारे लोग वही हैं, सिर्फ राजनीतिक है। और अभी जैसा कि आपने शिक्षक बहाली की बात की, दिसंबर 2019 में जिस वक्त वंचित अभ्यर्थियों को किया गया, उस वक्त NDA की सरकार थी, उस वक्त थी नीतीश कुमार और इन नरेंद्र मोदी की मिलीजुली भगत की सरकार थी, और आज जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस वक्त भी स्टूडेंट को भी धोखा दिया जा रहा था, और आज भी महागठबंधन की सरकार बनी है तो आज भी धोखा है, तो यहाँ पे कहाँ कुछ है भैया, दोनों तो मिलकर वही काम कर रहा है, गठबंधन भी वही कर रहा है, महागठबंधन भी वही कर रहा है, बीच में अभी सीटेट के बात कर दिया कि भैया हम सीटेट का एग्ज़ाम लेंगे, अभी जैसा कि विज्ञप्ति भी कल आ गया है, तब पता नहीं सीटेट का एग्ज़ाम पहले होगा या फिर क्या करेगा, अभी तक मतलब हंसी आपको आएगा इसलिए कि जो RJD के जो प्रवक्ता चितरंजन गगन जी है वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि भैया हम 2022 में शिक्षक बना देंगे, अभी भी कह रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब 2022 के जब आखिरी दिन जिस दिन बड़ा दिन होता है ना शायद उस दिन तक वो बोलेंगे कि भैया अभी भी हम 2022 में ही शिक्षक बनाएंगे, चाहे वो कितनों बड़ा झूठ न कहे हो लेकिन वो बोलेंगे जरूर, क्योंकि भाई राजनीतिक में तो जानते हैं बेहतर शिक्षा बनाने के लिए हमने थोड़ा सा मौका लिया है। मौका क्या लिया है भैया, 3 साल से तो मुकवे ले रहे हैं, मौका क्या लिया है, तो कैजुअल्टी पे शिक्षक की बहाली करते हैं, मौका क्या लेंगे? के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको अपना समर्थन देते हुए कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 3 दिन में आप लोगों को स्कूल भेज देने का काम करेंगे, इनकी सरकार बने हुए आज 3 महीना से ऊपर हो गया, क्या लगता है कि अभी तो वो कही रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, 2024 का मजा लीजिए ना, 2024 में विज्ञप्ति आ गया और अगला इलेक्शन जब विधानसभा या लोकसभा होगा ना तो उस वक्त फिर से दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दिया जाएगा, तब तक बीच में मरते रहिए सड़ते रहिए, अभी तक 22 स्टूडेंट सुसाइड कर चुका है, मुझे नहीं लगता है कि 50 से कम, जब तक 50 कम से कम सुसाइड नहीं होगा तब तक नहीं देंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सरकार यही रास्ते पर है कि भैया कम से कम 50 पूरा ही है सुसाइड करके तभी हम विज्ञप्ति देंगे, नौकरियाँ देंगे, अदरवाइज हम। अच्छा इतना जो आंदोलन हुआ सीटेट बीटेट शिक्षक के अभ्यर्थी जो आंदोलन किया 4 तारीख का फिर से है, 3 साल से लगातार वो आंदोलन ही कर रहे हैं, फिर से है वही बात बोल रहे हैं, 3 साल से लगातार आंदोलन ही कर रहे हैं, ना जाने कितना पैसा भी खर्च कर दिए अपने पोकर से बेरोजगार होते हुए भी, अब उनका क्या होगा, मतलब 4 तारीख से भैया फिर से है, उनका क्या होगा, कह तो दिए हैं कि भैया आंदोलन का कोई फायदा होता है? देखिए उस वक्त तो सरकार झुक जाती है, ऐसे गला झुका लेती है, कहती है कि भैया आपके लिए हम सब चीज़ सर्वोसर्वा, जो हमारी सरकार बनी है वो आप ही के लिए बनी है, लेकिन हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार ये कहाँ चली जाती है, जैसे ही आंदोलन खत्म होता है पता ही नहीं चलता है, सब अपने दुनिया में लीन हो जाते हैं, तो इसीलिए जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 4 तारीख से फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन लोग कर रहे हैं, जो सीटेट बीटेट क्वालिफाइड है, जो 7th पे चाह रहे हैं शिक्षकों की बहाली, बाकी में बिहार में चाह रहे हैं वो लोग, और बिहार में 3.25 लाख शिक्षकों की बहाली है, तो ये दुर्भाग्य है कि भैया स्कूलों में 1-2 शिक्षक पर इतना लंबा स्कूल चलता है, खिचड़ी भी खिलाना है, BRC भी संभालना है, CRC भी संभालना है, दुनिया जहान बोरा तक गिन के बोरा बेच के भी देना है, 10 रुपये बोरा भी पैसा, वो सारा चीज़ बोरा बेचना है, खिचड़ी चाह खिलाना है, हर वो चीज़ करना है, तब स्कूल में 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, 4 शिक्षक है, 200-400 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक है, तो ये बिहार की दुर्भाग्य है। और क्या फेंकू बाबा नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं, क्या हम उनको बोले, वो बार बार कहते हैं कि हम दिल्ली मॉडल बनाएंगे, भैया पाकिस्तान मॉडल फेल हो जाएगा आपका, पाकिस्तान तो एक डायलॉग रटा रटाया हुआ जैसा है, तो जैसा लगता है कोई तोता जैसा वो बात बोलते हैं कि हम अमन चैन की बात करते हैं, मोहब्बत फैलाएंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, तो इससे नहीं तो हमें लग रहा है कि प्रवचन देने वाला नहीं, तो भैया हमें लग रहा है कि पहले हम लोग जो है ना मोहब्बत से नहीं जिए हैं, अब हम लोग को मोहब्बत से जीना पड़ेगा, मोहब्बत सिखाया जा रहा है, जब हमारे सरकार ही मोहब्बत हमें चलाना सीख, अरे मोहब्बत कैसी मोहब्बत भी तभी काम करेगा जब पेट में अन्न होगा, पेटवा में अन्न होगा, पेट में अन्न नहीं होगा तो मोहब्बत कैसे सिखाइएगा, वही ना मैं कहना चाह रहा हूँ, वो साधु भी फिर रहमान बन जाएगा ना, नहीं पेट में, वही तो कह रहा हूँ ना कि भैया उंगली माल कहानी एक बार सुनवे ना किए होंगे, वो कहे उंगली भूखे प्यासे था बेचारा के कुछ काम धाम नहीं मिला था, क्या करा उंगली रगेत रगेत के सबके काटा फिर रहा था, तो वो भी तो एक बेचारा बेरोजगार था, रोजगार खोज रहा था कि भैया कोई रोजगार हमको भी मिल जाए, और यहाँ पे तब बेरोजगार के दम ताते लगल है पूरा बिहार में, खासकर तो बिहार पद से बदतर है भैया, अभी से ज़्यादा मैं क्या करूँ, हाँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये विज्ञप्ति देंगे,
विदाउट स्ट्राइक, विदाउट स्ट्राइक मुझे नहीं लग रहा है कि ये देंगे। अब आगे समझदार है बिहार के युवा, मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाह टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी फीलिंग को शायद युवा समझ रहे होंगे। फिर से मतलब आंदोलन कीजिएगा आप लोग 4 तारीख से। देखिए मुझे जानकारी मिली है, जो कोर टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने मुझे बताया कि 4 तारीख के आंदोलन 4 तारीख से अनिश्चितकालीन होगा और उसमें पूरे बिहार के युवा समर्थन कर रहा है और इस बार डू एंड डाई करेंगे या फिर मरेंगे, यानी कि लेके ही जाएंगे, लेके ही उठेंगे जाएंगे, ही नहीं उठबे नहीं करेंगे इस बार, कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन, डू एंड डाई। तो ये तो ये पहली बार नहीं है, ये कई बार जब आप लोग बैठे हैं तब ये ऐसा ही मतलब बात वो सीटेट विटेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यही बात बोले हैं कि अब की बार तो लेकर ही जाएंगे भैया, उठने वाले हम नहीं हैं। लेकिन वो ये दुर्भाग्य है भैया कि उसमें भी दुद्दू गुट बट्टल है, अब क्या मुँह से बात निकलवा रहे हैं, हंसी भर रहा है, इतना घटिया किस्म के इसमें इंसान है कि सब राजनेता बनने में फिरा हुआ है, चाहे युवा जनता जनरल जो स्टूडेंट बीटेड सीटेड क्वालिफाइड है उनकी ज़िंदगी चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, वो मर क्यों ना जाए, उनके परिवार क्यों ना बिलट जाए, उसको राजनेता बन के और यही राजनीति में कूदना है, उसको RJD JDU और BJP के टिकट मिलने वाला है। उस तमाम दोगले किस्म के आदमी को मैं कहना चाहूँगा जो ये गुटबाजी कर रहा है, एक तरफ से कर रहा है भैया कि क्या कह रहे हैं कौन विवेक विनीता जी का टीम है और एक तरफ इन्हें अनिशा कौन नितेश पांडे का टीम है, दोनों मतलब ये काम करेगा तो कहेगा वो भैया खराब कर रहा है, वो करेगा तो कहेगा वो खराब। अरे ये सोचो ना यार, शर्म आना चाहिए तो चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरो ना, स्टूडेंट को किस चीज़ से भलाई होगा इस पर ना ध्यान दो, काम नहीं करेगा। अभी देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ काम ही करने के लिए आया हूँ ना, चाहे दिन भर जो भी करता हूँ काम करने के लिए। आज तक तो मैं नहीं बोला कि भैया हमने जिला अध्यक्ष भी बना दीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष के लिए मर रहे हैं, हम तो जिला अध्यक्ष भी नहीं बनना चाह रहे हैं, हम तो चाहे तो तीन जिला चार चार जिला में मेरा घर है तो हम तीनों जिला में अध्यक्ष तीन जिला के अध्यक्ष बन सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे। 2019 दिसंबर से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है भैया? आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और बेवकूफ़ तमाम बिहार के युवाओं को बना रहे हैं जो सीटेट बीटेड क्वालिफाइड है, जो नौकरी चाह रहा है। तमाम लोग आपने बड़ी बात बोल दी, यानी कि सीटेट बीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों को जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सभी भक्चोनर है, भोले भाले जो छात्र हैं उसको कहीं ना कहीं जो राजनीति जो खेल रहा है ना वो भक्चोनर है, भक्चोनर ही उसको कहेंगे। इसलिए उसको लग रहा है कि हमें जाकर ऊपर जाकर टिकट मिल जाएगा, जूता निकाल के दो जूता मारेगा जाएगा टिकट कहीं मांगने, तो ओकरा बाप के भी दम नहीं होगा मांगने का, क्या बात कर रहा है। ये चीज तो दोनों जगह हो रहा है, दोनों टीम में हो रहा है, किसको जूता मारिएगा आप, किसके पक्ष? देखिए भैया हम पक्ष में किसी के बाप के गुलामी नहीं है, सीधा समझिए, पक्ष में किसी के नहीं, एक टीम में हो रहा है। नहीं देखिए हम दोनों टीम के कर रहे हैं, एक तरफ विनीता और कौन सिद्धार्थ कश्यप का टीम है, सॉरी विवेक का टीम है, विनीता सिद्धार्थ का सब विवेक और कृष्णा इनका टीम है, और एक तरफ है नितेश पांडे अनीश सत्यम और मिक्कू इसका टीम है। देखिए मैं किसी टीम के एक तरफा सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए भैया जो काम करेगा जो विज्ञप्ति के लिए लड़ाई लड़ेगा ईमानदारी पूर्वक उसको समर्थन कीजिए ना। अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है वाकई में तो भैया क्यों स्ट्राइक कर रहा है आप खुद सोच के देखिए, क्यों कर रहा है? विज्ञप्ति के लिए आप उसको टंगड़ी खींचने पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई साहब आप कुछ चाह ही नहीं रहे हैं कि नौकरियां करने के लिए। सबसे पहला नंबर देखिए संयम होना चाहिए, अगर वो सीखना है तो किसान आंदोलन से सीखना चाहिए कि हम आए 10 दिन बैठ गए उसके बाद फिर रोड पर उतरेंगे तो ऐसे में तो भगा दिया जाएगा, कहीं भी आप कीजिएगा तो भगा दिया जाएगा, स्ट्राइक भी नहीं, स्ट्राइक आप कर रहे हैं उसका कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, आप बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं और उल्टा क्या होगा, मुकदमा ला दिया जाएगा, चार को स्टेट वाला के ठूसा गया चारों को, ऐसा ही होगा जो ज्यादा राजनीति खेलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर संयम आप में है तो सही में आप सरकार को झुका सकते हैं, ये चीज आपको किसान आंदोलन से सीखना चाहिए, लेकिन वैसा संयम आपको लगता है कि है किसी में? किसी में नहीं है, किसी में नहीं है भैया, हम किसी के फिर से कहेंगे कि किसी के गुलाम बाप के नहीं है, ठीक ना। जो काम करेगा जिसको अभी हम फोन करेंगे जो मेरे साथ काम करने के लिए यहाँ पे आएगा उसका हम मतलब उसके साथ रहेंगे, गुलाम भी नहीं कर सकते और उसका हम फैन भी नहीं है, फैन क्या होता है यार, वो काम करेगा तब उसके साथ है, नहीं काम करेगा गया तेल लेने, कोई रहे तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो वो खुद है नेता है उसका। हाँ नेता 100% नेतवा है। हमारे साथ विशेष जानकारी देने के लिए सीटेट विटेट के शिक्षक के अभ्यर्थी भी हैं और पेशे से पत्रकार भी हैं, आप देख ही रहोगे गला में प्रेस का आई कार्ड टंगा हुआ है, तो पेशे से पत्रकार भी हैं और शिक्षक के अभ्यर्थी भी हैं, इन उनसे हमने विशेष जानकारी लिया कि इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार तो जिम्मेदार है ही, इनका मानना है कि जो इनका नेतृत्व कर रहा है सीटेट विटेट शिक्षक अभ्यर्थियों का जो नेतृत्व कर रहा है वो भी जिम्मेदार है, वो भी राजनेता बनना चाहता है, टिकट के लोभ में इस तरह का वो रणनीति बनाता है जिससे कि जो भोले भाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तो इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।